Once again, good morning to all of you, class 11. Subject Economics, Chapter 2, Indian Economy between 1950 to 1990, 40 years. 1950 to 1990. हम पिछले इसमें पढ़ चुके थे. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस थिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. फिर हम पढ़ा था ग्रीन रिवोल्यूशन, वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्सिडी. सब्सिडी एक प्रकार से सहायता होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में दी जा सकती है, कॉमन पीपल को दी जा सकती है, जैसे हमको गैस पे मिलती है, सिलेंडर पे. देन वी हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइस एज ए सिग्नल, कि जिस कंट्री में जिस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की कमी है, लैक्यूना है, सो स्कार्सिटी है. तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि उसका प्राइस बड़ा है तो हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बिटवीन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट इज पब्लिक सेक्टर. फर्स्ट वी विल टेक पब्लिक सेक्टर. Second, we will take private sector. The basic difference between public sector and private sectors are, so public sector and private sector. First basic difference between public sector and private sector is, public sector जो होती है वो सरकार के under में होती है. It is under the government. It means it is owned, owned by, मतलब मालिक होती है, owned by government. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर किसके अंडर में होती है. इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मीन्स जो रिसोर्सेस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके सारे आंसर सरकार के. प्राइवेट सेक्टर, इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट ग्रुप, या तो कोई प्राइवेट ग्रुप जो होता है, निजी ग्रुप, निजी समूह वो चलाता है. इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट ग्रुप और इंडिविजुअल, या तो कोई एक व्यक्ति चलाता है व्यक्तिगत तौर पर, या व्यक्ति मिलकर कोई ग्रुप चलाते हैं. सो इट इज ओन्ड बाय इधर प्राइवेट ग्रुप और इंडिविजुअल. सो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये कौन सरकार चलाती है. इट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट ग्रुप इंडिविजुअल, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, मोटो, एम, व्हाट इज द मोटो. पब्लिक सेक्टर नेवर अर्न्स प्रॉफिट. पब्लिक सेक्टर नेवर अर्न्स प्रॉफिट. तो पब्लिक सेक्टर है, सो मेन एम, मेन एम और ऑब्जेक्ट विल बी आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कल्याण, वेलफेयर. सो मेन एम और ऑब्जेक्ट विल बी वेलफेयर, जिसको आप बोलते हैं जन कल्याण.
सरकार कभी भी प्रॉफिट के लिए या कमाने के उद्देश्य से कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं करती है। दे डेवलप फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देयर ऑब्जेक्ट विल बी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि समाज का जन कल्याण। बट प्राइवेट सेक्टर मेन एम और ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज प्रॉफिट। मेन एम और ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी प्रॉफिट। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका जो मेन एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो हमेशा लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट। जहाँ प्रॉफिट कम हुआ, या तो कंपनी प्राइस बढ़ा देती है, प्राइस बढ़ाने के बाद बावजूद भी यदि लाभ प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो कंपनी बंद कर देती है, स्विच ओवर हो जाती है, कोई और प्रोडक्ट शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ सरकार का जो एम होता है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। वो ये चाहती है कि आम जनता को इससे फ़ायदा पहुँचे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो जो पोस्ट कार्ड होता है, हम अंतर्देशीय लिखते हैं ना पोस्ट एंड टेलीग्राफ में, उसकी कीमत लगभग 1.10 रुपये से 1.20 रुपये होती है, कॉस्ट इतनी कीमत का पड़ता है। लेकिन सरकार उसको मार्केट में 50 पैसे में बेचती है। क्यों बेचती है? क्योंकि सरकार चाहती है कि आम आदमी कम्युनिकेशन आसानी से कर सके। आप देखेंगे BSNL में जो प्राइस होते हैं, है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय, BSNL के प्राइस धीरे धीरे आप देखेंगे कम होते जा रहे हैं, 30 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे पर सेकंड, ताकि आम खुश हो सकता है। सरकार को उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना प्राइवेट को होता है, लेकिन वहाँ सरकार चाहती है कि आम जनता को इसका बेनिफिट मिले, कि आम जनता इसका पूरा बेनिफिट ले। सो सेकंड पहला हो गया कि दे आर ओन्ड बाय पब्लिक गवर्नमेंट, दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट और इंडिविजुअल ग्रुप। सेकंड, देयर मेन एम इज वेलफेयर, देयर मेन एम इज प्रॉफिट। थर्ड एग्जाम्पल, पब्लिक सेक्टर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, दीज ऑल आर गवर्नमेंट, है ना, रेलवे। Post and Telegraph, these are the government, owned by government, run by government. Private sector first, Reliance, Tata, Birla Group, so they have their own profit, Reliance, Tata, Birla Group. So it is your choice. अब आपकी choice है कि आप public sector को ज़्यादा पसंद करते हो या private sector. It depends on you. क्योंकि आप mixed economy में, आप free हो, आप BSNL की सिम ले सकते हो, आप Reliance की Jio भी ले सकते हो, right? आप भारत heavy electricals का कोई सामान खरीद सकते हो, या आप टाटा या बिरला का कोई सामान खरीद सकते हो. So government school, private school, in such a way that there is a basic difference between a public sector and private sector. ये दोनों sector government इसलिए open करें ताकि industrial, अभी हम जो पढ़ेंगे industrial revolution policy, resolution policy, उसके तहत सरकार ने कुछ important sector अपने हाथ में लिए, right? जैसे railway है ना, post and telegraph है, भारत heavy electricals है, या DRDO है जिसके अंदर हम बम बनाते हैं, बंदूकें बनाते हैं, है ना, वो हम कभी प्राइवेट में नहीं देते हैं, वो सरकार में देती है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, इंडिविजुअल ग्रुप के लिए खोल दी है, ताकि वो लोग भी अपना प्रोडक्शन कर सकें। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी
रिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं आईपीआर 1956। जब हमारी सेकंड फिफ्थ ईयर प्लानिंग शुरू हुई थी, सेकंड फिफ्थ ईयर प्लानिंग विच वॉज बेस्ड ऑन हेरोड एंड डोमर मॉडल, वो हेरोड एंड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। तो अकॉर्डिंग टू आईपीआर हमने सबसे पहले क्या करा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जितनी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो देश को ग्रो करने में, देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आती है, या वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो, जैसे बिजली का उत्पादन करना, बांध बनाना, सेटेलाइट भेजना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का काम है ना, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज सरकार ने अपने हाथ में ली और कुछ को सरकार ने धीरे 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 प्राइवेट लोगों, प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोडक्शन के लिए राजी कर लिया। वो था आईपीआर 1956। इसमें गवर्नमेंट का जो मेन एम था, द मेन एम अंडर द आईपीआर 1956, रीजनल इक्विटी। आईपीआर 1956 रीजनल इक्विलिटी, रीजनल इक्विलिटी का मतलब होता है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, यदि मैं भारत की बात करता हूं, तो भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जहां पर सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ, या जो आइसोलेटेड स्टेट्स हैं, या जो गरीब स्टेट्स हैं, तो सरकार वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डालकर उस इक्विलिटी बराबर करती है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये स्टेट डेवलप है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, लोगों की परचेसिंग पावर अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है। लेकिन बिहार और ओडिशा, यहाँ सरकार ने स्पेशल पैकेज देकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डाली। जैसे आपने सुना होगा, बिहार, वेस्ट बंगाल और बिहार में सरकार ने कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज डाली, जैसे दुर्गापुर आयरन स्टील कंपनी है ना, और सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा नाम राउरकेला, उड़ीसा में जगह है, वहाँ पर है हेवी इलेक्ट्रिकल्स। तो ये जो गरीब स्टेट थी, इनको सरकार ने स्पेशल प्रिविलेज दिया, पैसा दिया और यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करी। यहाँ तो थी इंडस्ट्री, यहाँ डेवलप करी ताकि रीजनल इक्विलिटी बनी रहे, ताकि कोई स्टेट ये कंप्लेंट न करे कि आपने ज़्यादा पैसा महाराष्ट्र को दे दिया या गुजरात को दे दिया, हमें कम मिला। तो सरकार ने जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले है कोल, कोयला, दूसरा है आयरन, लोहा, राइट, सो इससे आयरन स्टील कंपनी, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एल्यूमिनियम, फोर्थ है बॉक्साइट। सो ये इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पाए जाते थे बिहार में, आज भी पाए जाते हैं है ना, जिसको अब आप झारखंड बोलते हो, साउथ पार्ट ऑफ बिहार, छोटा नागपुर प्लेटू, साउथ पार्ट ऑफ बिहार जिसको झारखंड बोलते हैं, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन ये लोग पॉवर्टी में बहुत नीचे हैं, गरीबी में नीचे हैं। तो सरकार ने इनको ऊपर उठाने के लिए, इनको एक प्रकार से ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के तहत कुछ स्पेशल प्रकार की इंडस्ट्री को डेवलप किया, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड मिल सके कि वो लोग बाहर ना जाएं और अपने एरिया में ही काम कर लें।
इसी के साथ सर आईपीआर 1956 में सरकार ने दो इम्पोर्टेंट काम करे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम था वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप करना गांव में, है ना, चाहे वो स्पाइसेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो अचार पापड़ पर, या कोई छोटे नट बोल्ट बनाने की इंडस्ट्री हो, है ना, या कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कोई बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्री हो। तो सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्पेसिफिक जगह दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम मिल सके, काम ले सके। इसी के साथ साथ सरकार ने जो दूसरा इम्पोर्टेंट करा वो जिसको आप कह सकते हैं आफ्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, मंगवाना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थानापन के स्थान पर। हम आयात अगर कम कर देते हैं, हम बात कर चुके हैं पिछले वेबिनार में, इफ वी विल रिड्यूस द इम्पोर्ट इट मीन्स वी विल सेव द फॉरेन करेंसी। यदि हम दूसरे देशों से क्या मंगाते हैं, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, पेट्रोल मंगाते हैं, कुछ फूड आइटम्स मंगाते हैं, कुछ मेडिकल्स इक्विपमेंट्स, कुछ मेडिसिन, यदि हम उनका सब्स्टिट्यूट बना लें, यदि हम उनका सब्स्टिट्यूट इंडिया में ढूंढ लें, तो आप मान के चलेंगे धीरे 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 इम्पोर्ट कम हो जाएगा। या जिसको हम कहते हैं बार बार, अभी जो सेल्फ रिलायंस की बात चल रही है, नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। अगर हम दूसरे देशों पर निर्भर ना होकर खुद वो प्रोडक्ट बनाए तो हमारा इम्पोर्ट कम होगा। हमारा इम्पोर्ट कम होगा इसका मतलब हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी, हमारी करेंसी बचेगी। यदि हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी, वो पैसा हम अपने देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में या डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। तो बेसिक आइडिया जो आता है वो आता है इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट करना। जैसे अगर आपने देखा कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐप हैं वो भारत के भी हैं और विदेशी, लोग विदेशी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो हम उन एप्लीकेशंस को हटाकर विदेशी की जगह भारतीय, हम विदेशी वस्त्रों को न प्रयोग कर भारतीय वस्त्रों का प्रयोग कर, हम विदेशी मेडिसिंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उनको छोड़ दो, कुछ मेडिसिंस ऐसी है जो हमारे इंडिया में भी हम उनको उपयोग करें। अगर हम कम से कम पेट्रोल यूज़ करें, कम से कम डीजल यूज़ करें, कहीं तो हम सेव कर सकते हैं ना, सेव पेट्रोल सेव डीजल, तो हमारा फॉरेन करेंसी बचेगा। अगर हमारा फॉरेन करेंसी बचता है तो कहीं ना कहीं वही पैसा हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में या सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू, छोटे कुटीर उद्योग के थ्रू हमारे आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बढ़ा सकते थे, और हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट, या कम से कम इम्पोर्ट करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। ये भी आईपीआर 1956 की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी। इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी, अगर आप मान लें तो उसको कहते थे लाइसेंस राज, परमिट लाइसेंस राज, परमिट लाइसेंस राज। ये दौर था 1960 से 2009 तक, हमको कोई भी इंडस्ट्री डालनी है तो हमको लाइसेंस लेना जरूरी है। अब वो लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें करप्शन था, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार। आपको लाइसेंस लेना है तो आपको सबसे पहले एक मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वो मिनिस्ट्री बोलेगी आप पहले लाइसेंस लेके आओ वन विभाग से, वन विभाग बोलेगा पहले लाइसेंस लेके आओ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट बोलेगा पहले लेके आओ। तो मैंने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर डिपार्टमेंट पैसा खाना चाहता था लाइसेंस रहा। दूसरा, ये जो बड़े कॉरपोरेट कल्चर थे, जो बड़े घराने थे जिनके पास खूब पैसा था, वो लोग मिनिस्ट्री को, इंडस्ट्रीज लाइसेंस को कहीं ना कहीं रोक के रखते थे। कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, राइट, उस प्रोडक्ट का नाम है ए,
आपने भी वही प्रोडक्ट सस्ते में बनाना शुरू कर दिया अभी, आप उसके लिए लाइसेंस लेने गए, मुझे डर है कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी है प्राइस भी कम है, मेरी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और प्राइस ज़्यादा है तो आपका माल मुझसे ज़्यादा बिकेगा, तो मैंने क्या करा, होल्ड कर लिया पैसे से, करप्शन से, भ्रष्टाचार से, इंडस्ट्री को होल्ड मतलब पकड़ लिया, इंडस्ट्री को, मिनिस्ट्री को पकड़ लिया कि लाइसेंस मत देना इनको, या देना तो खूब परेशान करके रुला के जब तक मैं कोई और सब्सटीट्यूट, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि परमिट लाइसेंस राज ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, फिर धीरे धीरे हमने कोशिश करी, गवर्नमेंट ने कोशिश करी, आम आदमी ने भी आवाज़ उठाई, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये गलत है इस तरीके से लाइसेंस बांटने से, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा, इसलिए आजकल सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, मतलब एक ही जगह आपको सारे लाइसेंस मिल जाएंगे, पॉल्यूशन का भी मिल जाएगा, वन विभाग का, और कोई सब ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट काम है, अगर आपका काम सही है तो आपको लाइसेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हमने पढ़ा IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, फिर हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंट रीजनल इक्विलिटी कि किस तरीके से हम रीजनल इक्विलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, फिर हमने पढ़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरीके से छोटे गृह उद्योग लघु उद्योग हमें सहायता कर सकते हैं या देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर हमने पढ़ा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बहुत ज़रूरी है, हमको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, इम्पोर्ट को कम करना है, हम कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सटीट्यूट करें, देश की फैक्ट्री में ही बने, देश की इंडस्ट्री में बने, देश में पैसा रहे, हम आत्मनिर्भर रहें, सेल्फ रिलायंट रहें, तो हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन शुरू करा। फिर हमने देखा हमारा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो कारण था, द मेन रीज़न ऑफ करप्शन वॉज परमिट लाइसेंस राज, तो हमने परमिट लाइसेंस राज को भी धीरे धीरे खत्म किया।